हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिभा और आप सबका स्वागत है प्रैट्स किचन में। आज हम बनाएंगे स्पाइसी ड्राई मशरूम। ये एक स्टार्टर की तरह भी यूज कर सकते हैं और साइड डिश की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसको कभी भी बनाएं, झटपट बन जाती है, बहुत कम टाइम में बनती है और सुपर टेस्टी बनती है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम मशरूम ले लिया है, जिसको अच्छे से वॉश करके उसके स्टेम्स को ऐसे काट लिया है। इसके बाद मैं अब इसमें नमक डालूंगी स्वाद के अनुसार, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दूंगी और 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर के डाल दूंगी। इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारी चीजें जो है वो मशरूम में अच्छे से कोट कर लें। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, सारी चीजें मशरूम में अच्छे से कोट हो गई हैं। अब यहाँ पर मैं लगभग 1 बड़े चम्मच जितना पानी डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और दोस्तों, तेल मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। तेल बिल्कुल हाई हीट पे होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा गरम तेल होना चाहिए इसको फ्राई करने के लिए। दोस्तों, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, तेल बिल्कुल गरम है, बहुत ही गरम तेल में हम इसको फ्राई करेंगे। मशरूम्स को फ्राई करते समय तेल का टेम्परेचर हमेशा बहुत हाई रखा जाता है। अब हम इसको लगभग 30 से 40 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। मशरूम्स को 30 से 40 सेकंड ही लगते हैं फ्राई होने में, इससे ज्यादा टाइम इसको नहीं लगता है, क्योंकि मशरूम जो है वो पानी छोड़ने लगते हैं और जैसे ही ये पानी छोड़ने लगेंगे, ऑयल में इनका पानी स्प्लटर करने लगेगा, तो इनको फ्राई करना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए इसको हाई फ्लेम पे एकदम तला जाता है। दोस्तों, मशरूम बिल्कुल तल गया है, कलर इसका अच्छा चेंज हो गया है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ और इसको अभी हम एक साइड में रखेंगे। यहाँ पर मैंने आधा बड़ा चम्मच धनिया पाउडर का ले लिया है, आधा बड़ा चम्मच बेसन का ले लिया है, आधा बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है। इसमें हम लगभग 2 बड़े चम्मच जितना पानी डालेंगे और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट की तरह तैयार कर लेंगे। दोस्तों, इसी मसाले में हम मशरूम को फ्राई करेंगे। पेस्ट रेडी हो गया है, इसको अब हम एक साइड में रखेंगे और पैन में मैं 1 बड़ा चम्मच तेल का डाल रही हूँ। तेल दोस्तों गर्म हो गया है, यहाँ पर अब मैं पेस्ट ऐड कर रही हूँ। पेस्ट को लगभग हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि जो लहसुन है, बेसन है और धनिया का पाउडर है वो अच्छे से भून जाए। दोस्तों, ये देखिए मसाला बिल्कुल भून गया है। यहाँ पर अब मैं नमक ऐड कर रही हूँ, इसको भी अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फाइनली अब हम इसमें ऐड कर लेंगे मशरूम्स को। मशरूम्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से मशरूम को कोट कर लें। दोस्तों, इस डिश को बनने में मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट में बहुत ही ज़बरदस्त डिश बनके तैयार हो जाती है। ये जो भी खाएगा वो इसका फ़ैन हो जाएगा और आपसे बार बार बनवाएगा। तो दोस्तों, ये डिश ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ प्रैट्स किचन में।